आपको बताते हैं कि इस किस्त में जो मनाजिर हमें दिखाए गए हैं, इसमें दिखाया गया है कि जब सुल्तान तुगलक जनाबे चाफरी बेम के पास जाते हैं और कहते हैं कि केकामनूस ने हमारी गद्दी के जानशीन अल्प अरसलान को यानिस की मौत के बदले में मांगा है और अगर हम अल्प अरसलान को केकामनूस के हवाले नहीं करते तो वो सलजूकों से एक बड़ी जंग का इरादा रखता है। इस दौरान सभी जांबाज यहां मौजूद होते हैं और अल्प अरसलान को दुश्मनों के सुपुर्द करने पर बातचीत कर रहे होते हैं, जहां इब्राहिम एनाल को ये कहते देखा गया कि अल्प अरसलान को केकामनूस के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि इससे हम एक बड़ी जंग लड़ने से बच सकते हैं और वो निशान जो अल्प अरसलान ने सुल्तान को दिया है उस बात में कितनी सच्चाई है कि वो असली है या नकली। लेकिन उसी दौरान मलिक हजरत को भी ये कहते देखा गया कि अगर हम अल्प अरसलान को दुश्मनों के हवाले कर देते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पहले से ही हार मान चुके हैं। मलिक हजरत की इस बात से जनाबे सुल्तान और चागरी बेम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन फिर जनाबे सुलेमान के जांबाज को ये कहते देखा गया कि माजद के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हार नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्प अरसलान के बदले सैकड़ों मुजाहिदीन की जान बच सके। लेकिन फिर सुल्तान तुगरल और चागरी बेम को वाजुरकान कले में देखा गया, जहाँ वो केकामनूस को यानिस का वो निशान देते हैं जो कि अल्प अरसलान को कतलेआम की जगह से मिला था और केकामनूस कहता है कि ये यानिस का निशान है, ये आपको कहाँ से मिला? तो सुल्तान तुगरल बताते हैं कि जहाँ यानिस ने कतलेआम किया था, अब आप लोगों ने मुआहदा तोड़ा है तो आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो खुद वाजुरकान की चाबियाँ हमारे हवाले कर दो या फिर हम खुद अपने जाबाजों के हमरा आएंगे और वाजुरकान तुमसे छीन लेंगे। इसके बाद जब सुल्तान और चागरी बेम वापस रे शहर आ रहे होते हैं तो सुल्तान को अल्प अरसलान की बहादुरी पर चागरी बेम को दाद देते हुए भी देखा गया और जैसा कि हम आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी इस हवाले से आगाह कर चुके हैं कि अब यहाँ सलजूकों की इज्जत और वकार की बात आ जाती है और यहाँ सुल्तान तुगरल बातुरकान पर सलजूक रियासत कायम करने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे यहाँ सुल्तान तुगरल को खुद मैदान में क्यों ना उतरना पड़े। लेकिन यहाँ अल्प अरसलान सुल्तान से फौज की कमांड संभालने का कहते भी नजर आएंगे, जिस पर सुल्तान अल्प अरसलान से पूछेंगे कि क्या तुम्हें खुद पर पूरा यकीन है कि तुम ये काम सर अंजाम दे पाओगे, जबकि सुल्तान को पहले से ही अल्प अरसलान पर यकीन होगा कि अल्प अरसलान ये काम बड़ी बहादुरी से सरंजाम देंगे। लेकिन चूंकि सुल्तान हमेशा से ये कहते नजर आए हैं कि अल्प अरसलान आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, तो यहाँ सुल्तान खुद फौज की कमांड संभालते हुए भी नजर आ सकते हैं। आपको मजीद आगाह करते चले कि जब अल्प अरसलान मलिक हजरत को बाजियाब करवा कर सुल्तान के हजूर पेश होते हैं तो इससे पहले के मनाजिर तो दिल को भा जाने वाले थे, जब कंदूरी और इब्राहिम एनाल अल्प अरसलान का रास्ता रोकते हैं और इब्राहिम एनाल गलीज जुबान से अल्प अरसलान के बारे में बुरे अल्फाज निकालता है कि गवाही तो जवाब की खिलाफ वर्जी करने वाले अपना सर ऊंचा किए हुए हैं, जबकि वो जानता है कि जनाबे अताब भी इनके साथ हैं, लेकिन फिर भी वो कोई लिहाज किए बगैर ये गुस्ताखी करता है क्योंकि इससे पहले इब्राहिम एनाल एक मरतबा अल्प अरसलान की तलवार से बच चुका होता है। लेकिन अब की बार अगर ये अल्प अरसलान के रास्ते में आएगा तो अल्प अरसलान की तलवार नियाम में बिल्कुल भी नहीं रहेगी और वो इब्राहिम एनाल का सर उड़ाते हुए हर उस दुश्मन का खात्मा करेगी जिसने सल्तनत से बगावत की होगी। यहाँ इस मौके पर अल्प अरसलान इब्राहिम एनाल को उसकी गुस्ताखी का बड़े तहम्मुल अंदाज में जवाब देते हैं और कहते हैं कि एक बेलगाम घोड़ा इसलिए अपना सर ऊंचा रखता है क्योंकि ये उसके लिए फख्र की बात है, और फिर इब्राहिम एनाल को इसकी असलियत याद दिलाते हुए कहते हैं कि गद्दार पता नहीं क्यों अपना सर ऊंचा किए फिरते हैं, और अल्प अरसलान कंदूरी से कहते हैं कि क्या मैंने कोई गलत बात कही, और कहते हैं कि क्या आप इस बात पर गमगीन हैं कि आपका हमें जिंदान में मारने का मंसूबा नाकाम हो गया और हम सही सलामत वापस आ गए हैं। अल्प अरसलान की इस बात पर कंदूरी अल्प अरसलान की झूठी तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे खुशी है कि आप सही सलामत वापस आ गए, लेकिन दुख किस बात का है कि आपके इस कारनामे की कीमत जनाबे चाफरी बेम को अदा करना पड़ रही है। कंदूरी की इस बात का जवाब देते हुए अल्प अरसलान कंदूरी से कहते हैं कि मुझे अपने सुल्तान पर पूरा यकीन है कि वो कभी भी अपने भाई पर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, अगर कंदूरी तुम कोई गलती करो और उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से अदा करना पड़े तो वो कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आप दोस्तों को किस्त आने से पहले भी आगाह किया था कि जब जनाबे चागरी बेम सुल्तान के यहाँ पेश होंगे तो उस दौरान अल्प अरसलान और मलिक हजरत की भी एंट्री दिखाई जाएगी और फिर बाज़ंतीनी टैक्स फोर्स भी सुल्तान की बारगाह में पेश होंगे और ये तमाम मनाजिर हमें नई किस्त में देखने को भी मिले, जहाँ केकामनूस सुल्तान को एक बड़ी जंग की धमकी देते हुए नजर आया और उसी दौरान अल्प अरसलान और मलिक हजरत की भी एंट्री दिखाई गई,
जब अल अरसलान और मलिक हजरत सुल्तान के हजूर पेश होते हैं तो सुल्तान उनका उठकर इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि शुक्र है कि आप आ गए अदाबें। मलिक हजरत सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि पहले अल्लाह और फिर अल अरसलान की मदद से मैं जिंदा हूँ। यहाँ चागी बिम को भी अपने बेटे को दाद देते देखा गया, जिसमे वो कहते हैं कि अल अरसलान तुमने दुश्मन को अपने पंजों में जकड़ा और फिर तुमने वो हासिल किया जो तुम चाहते थे। लेकिन फिर सुल्तान तुगरल को अल अरसलान से ये कहते भी देखा गया कि अल अरसलान मैं जानता हूँ कि जनाब अदाबें आपके लिए कितने अहम हैं, लेकिन जो कदम तुमने उठाया है ये ठीक नहीं था। सुल्तान कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दूंगा। और फिर अल अरसलान से पूछते हैं कि तुमने जो किया है क्या एक तख्त के वारिस को यही करना चाहिए था। जनाब अल अरसलान कहते हैं कि सुल्तान गैर मामूली हालात में ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं, और रही बात तख्त के वारिस की तो जनाब अदाबें की जिंदगी मेरे लिए दुनिया की तमाम सल्तनतों से ज्यादा कीमती है। इसके बाद फिर केका मनोज की एंट्री दिखाई जाती है, जहां इसे सुल्तान से अपनी आंखें झुकाकर कलाम करने का कहा जाता है। इस मौके पर केका मनोज सुल्तान से अल अरसलान को बाज़ंतीनियों के हवाले करने का मुतालबा करता है। नाज़रीन, ये तो सूरत हाल थी नई किस्त में दिखाई जाने वाली सूरत हाल के बारे में। इसके अलावा भी हम आपको इस किस्त में दिखाए गए बहुत से वाकयात से आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ एक सवाल हम आप सबके लिए भी लेकर आए हैं और वो ये है कि आपने हमें बताना है कि नई आने वाली किस्त में शहंशाह रोम की आमद दिखाई जानी चाहिए या नहीं। आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे, लेकिन इसी के साथ इस वीडियो पर आपके एक लाइक का भी हम जरूर इंतजार करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।